छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपियों को जेल हुई है। बता दें, 4 आरोपियों को 10 दिन की जेल के लिए भेजा गया। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में आरोपियों को पेश किया। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी हुई। नकली होलोग्राम मामले में ये गिरफ्तार हुए थे। दीपक द्वारी, अमित सिंह, अनुराग द्विवेदी समेत प्रिज्म होलोग्राम कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे को भी जेल भेजा गया है। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपियों को जेल हुई है। बता दें, उनकी रिमांड चल रही थी और रिमांड के बाद पेशी हुई। पेशी के बाद अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। 4 आरोपियों को 10 दिन की जेल। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में आरोपियों को पेश किया और आपको बताएं, पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी हुई। दरअसल नकली होलोग्राम मामले में ये गिरफ्तारी हुई थी और इनके नाम भी सामने आए। बता दें आपको, दीपक द्वारी, अमित सिंह, अनुराग द्विवेदी समेत प्रिज्म होलोग्राम कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे को जेल भेजा गया है। तो शराब घोटाले में आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इनकी पेशी होनी थी, कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और उसके बाद अब जेल भेज दिया गया है। होलोग्राम मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और पूछताछ लगातार चल रही थी। रिमांड पर इन्हें भेजा गया था और अब रिमांड के बाद पेशी हुई। कोर्ट में पेशी होने के बाद 10 दिन की जेल। आगे देखने वाली बात होगी कि आगे अब कब पेशी होती है या अभी और पूछताछ चलती रहेगी। फिलहाल अभी सभी को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया है सभी आरोपियों को। 4 आरोपी हैं जिन्हें जेल भेज दिया गया है। तो पुलिस की रिमांड खत्म हुई और रिमांड खत्म होने के बाद अब पेशी के बाद जेल। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। बता दें, बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का संबोधन होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात उनकी होगी। चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मिलेंगे। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का संबोधन होगा। तो बस पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जेपी नड्डा द्वारा फूल देकर के उनका स्वागत किया गया। अब बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। अब चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ता जो थे उनसे प्रधानमंत्री मिलेंगे और प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। कुछ ही देर में संबोधन होगा, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी पीएम मोदी की पहले, उसके बाद संबोधन प्रधानमंत्री का। चुनाव में काम किया गया, कार्यकर्ताओं के द्वारा खूब काम किया गया और सराहना तो होगी होगी। आगे आखिर किस रणनीति के तहत बढ़ना है और आने वाले आगामी चुनावों को देखते हुए, अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हैं उन्हें देखते हुए अब कैसी तैयारी करनी है और कैसी रणनीति पर काम करना है, ये तमाम वो पहलू रहेंगे जिन पर जो है चर्चा होगी। महादेव सट्टा केस का आरोपी पेश हुआ है। बता दें, एसीबी ईओडब्ल्यू ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। बर्खास्त आरक्षक सिद्धेव सिंह यादव कोर्ट में पेश हुआ है। कोर्ट ने 25 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, महादेव सट्टा केस का ये आरोपी है, पेशी हो चुकी है और अब रिमांड पर भेजा गया है। जी बिल्कुल, महादेव सट्टा मामले में लगातार जो है छत्तीसगढ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है। हर जिले स्तर पर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी चल रही है और कार्रवाई लगातार चल रही है। बर्खास्त हुए थे ये जो आरक्षक थे, उसे वो जेल में थे और कोर्ट में पेश किया गया पूछताछ के लिए, फिर से रिमांड पर भेज दिया गया। 25 जुलाई तक आरक्षक को रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही जो महादेव सट्टा से जुड़े जो और आरोपी हैं जो जेल में बंद है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने दावा किया है कि महादेव सट्टा मामले में और भी कई गिरफ्तारी होने वाली है, जिसपे कार्रवाई लगातार जारी है। जी ठीक,
बहुत वाकई देखिए, ये अब जब गिरफ्तारी हुई है और अब रिमांड पर भेजा गया है तो आकाश ये मान सकते हैं क्योंकि इतने दिन रिमांड पर ये आरोपी रहेगा तो कई सारे बड़े खुलासे भी होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया फिलहाल। रायपुर से बड़ी खबर है, दुर्ग से सिम कार्ड सप्लायर गिरफ्तार हुआ है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 40 लाख की ठगी की थी आरोपी विक्की देवांगन, दुर्ग से अरेस्ट हुआ है। 13 लाख बैंक में होल्ड कराया। न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र में ठगी इसके द्वारा की गई थी। तो दुर्ग से सिम कार्ड सप्लायर की गिरफ्तारी हुई है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 40 लाख की ठगी इसके द्वारा की गई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये सिम कार्ड सप्लायर है, गिरफ्तारी इसकी हुई है, लाखों की ठगी इसके द्वारा की गई, कौन कौन गैंग में शामिल है, कुछ पूछताछ में सामने आ पाया है क्या, कितना बड़ा गिरोह है? जी देखिए, दुर्ग से विक्की देवांगन को गिरफ्तार किया है। 13 लाख रुपए पुलिस ने बैंक में होल्ड भी कराए हैं। एक जो व्यक्ति है राजेंद्र नगर का, उससे 40 लाख रुपए की ट्रेडिंग में फायदा मुनाफा देने के नाम पर इस लोगों ने ठगी थी की थी, जिसके बाद शिकायत दर्ज हुआ। और ये अलग अलग जो व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सिम अलग अलग बांटते हैं और सिम के माध्यम से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उसमें जो ट्रेडिंग का फायदा दिलाने के नाम पर ऐसी लोगों से ठगी करते हैं। बड़ा रैकेट है, इससे पहले भी कई बार कार्रवाई हुई है। ट्रेडिंग में मुनाफा देने के नाम पर एक जोरों से ठगी का कारोबार चल रहा है, तो पुलिस अब इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अभी कई मामले में अभी फिलहाल इसकी जांच है वो कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। दिल्ली दौरे पर सीएम साय, दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम साय ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से यह मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ को अयोध्या तक अब सीधी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ की सड़क परियोजनाओं को लेकर चर्चा सीएम साय की हुई है नितिन गडकरी से। बेहद खास इस मुलाकात को मान सकते हैं हम। तो ये केंद्रीय मंत्री से मुलाकात सीएम साय की, अब सीधी कनेक्टिविटी जो है छत्तीसगढ़ को अयोध्या तक मिलेगी, ये भी कहा गया। जो नेशनल हाईवे हैं वो सब में और काम बढ़ाने के लिए चर्चा हुई है और बहुत अच्छी चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अधिक से अधिक पैसा छत्तीसगढ़ के लिए देंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छा काम होगा। कई फ्लाई ओवर वगैरह भी, उसके लिए भी हम लोगों ने इनसे मतलब आग्रह किया है, तो सबको बहुत अच्छे से सुने हैं और पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिए हैं। तो वहीं नक्सलवाद पर सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का नाम लेते ही लगता है बाहर के लोगों को, पूरा प्रदेश नक्सलवाद से पीड़ित है, जबकि सिर्फ 5 जिले ही नक्सल से प्रभावित हैं। नक्सलवाद से सरकार मजबूती से लड़ रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है सीएम साय। छत्तीसगढ़ कहने से ही ऐसा लगता है बाहर वालों को कि पूरा प्रदेश नक्सलवाद से पीड़ित है और छत्तीसगढ़ जाने से ही वहां पर गोली बारूद होता होगा, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको पता चलेगा कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित नहीं है। एक छोटा सा भाग, करीब 5 जिला ही इससे प्रभावित है और वो भी धीरे धीरे सिमट रहा है। तो वहीं गृहमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के कायराना करतूत पर कहा कि आज शहीद हुए जवानों का बदला लिया जाएगा, सरकार शहीदों के परिजनों के साथ है, सरकार इस दर्द के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला लेगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि नक्सलियों को बातचीत के जरिए मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा मेरे साथ है। सर, नक्सलियों के ने हमला किया है, 2 जवान शहीद हुए हैं, ये कमांड आईडी से हुआ है और एसटीएफ के 2 जवान, एक रायपुर के रहने वाले हैं, एक नारायणपुर के रहने वाले हैं, 2 शहीद हुए हैं, 4 घायल हुए थे, वो खतरे से बाहर हैं। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें और हम सब समूची सरकार, समूची छत्तीसगढ़ की जनता शहीदों के साथ है। उनके इस बलिदान को याद रखा जाएगा और जिनके कारण ये सब हुआ है उनसे दर्द का हिसाब लिया जाएगा। दर्द का हिसाब यानी सर, जैसे पिछले दिनों एनकाउंटर हो रहे थे उसमें नक्सली मारे जा रहे थे या वो सरेंडर कर रहे थे, अब
इस शहादत का बदला सरकार लेगी? हर हाल में नक्सली मुख्यधारा पर आए, जहां कुछ नहीं है वहां भटक करके अर्थ नहीं है, इस बात को समझना होगा। मुख्यधारा में आकर के बस्तर में शांति बहाली करनी होगी। तो विजय शर्मा साहब कह रहे हैं कि नक्सल समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है, नक्सलियों को वार्ता के लिए आगे आना चाहिए। बीजापुर में शहीद हुए जवानों को जगदलपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बस्तर सांसद, कलेक्टर, महापौर, चित्रकूट विधायक समेत पुलिस विभाग के अधिकारियों ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम भेजा गया। आपको बता दें कि बीजापुर में नक्सलियों द्वारा लगाई गई IED ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए तो वहीं 4 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा की सीमा पर दरबा डिवीजन में के नक्सली बड़ी संख्या में मौजूद। तीनों जिलों से एसटीएफ, डीआरजी कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। ऑपरेशन से लौटते समय जवान मंडी मरका के जंगलों में IED ब्लास्ट की चपेट में आ गए। गढ़चिरौली मुठभेड़ के बाद घटनास्थल का वीडियो सामने आया। नक्सली मुठभेड़ के बाद ग्राउंड जीरो का एक वीडियो आया है, दिखाते हैं आपको। मौके पर अब भी मौजूद है नक्सलियों का सामान। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर कल मुठभेड़ हुई थी, सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया था और वहीं से बड़ी मात्रा में सामान नक्सलियों का बरामद हुआ है। गोला बारूद भी बरामद हुआ है और तमाम तरह की चीज़ें जो वो इस्तेमाल करते थे अलग अलग बम बनाने में, वो भी सामग्री जब्त की गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं घटनास्थल की, यहाँ से बड़ी मात्रा में जो है सामान बरामद हुआ है। दंतेवाड़ा का जिक्र करते हैं, नक्सलियों पर प्रहार लगातार जारी है। पुलिस से मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर हुई है। जवानों ने बरामद किया है महिला नक्सली का शव, मौके से हथियार और नक्सल सामग्री भी बरामद की। किरंदुल इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी और उसी दौरान ये बड़ी सफलता जवानों को मिली है। महिला नक्सली की गिरफ्तारी, माफ कीजिएगा, शव बरामद कर लिया गया। महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया, मार दिया गया और उसके बाद अब महिला नक्सली का शव भी बरामद कर लिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, विनीत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, बड़ी सफलता जवानों के लिए, महिला नक्सली जो है उसे मार गिराया गया और साथ ही साथ शव भी बरामद कर लिया गया है। जी हाँ, मैं बता दूं कि सर्चिंग के दौरान पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर किया है। मौके से महिला माओवादी की शव मिले हैं और उसके साथ ही साथ हथियार और नक्सल सामग्री भी बरामद किया गया है। जब अभियान चलाया गया था, इस अभियान के दौरान किरंदुल थाना का क्षेत्र का पुरंगेल जो एरिया है, इसमें इरामले गुड़ा के पास DRG बस्तर फाइटर और दंतेवाड़ा की टीम माओवादियों द्वारा जो एम्बुश लगाए गए थे और जो सुरक्षा बल जब वहां से गुजरे तो ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों के जवानों ने भी, उनका मनोबल क्योंकि अभी बढ़ा हुआ है, उन्होंने भी बराबर जवाब दिया। जवाब फायरिंग का जवाब जब भारी पड़ता देख रहे जो नक्सली थे वो जंगल की ओर भाग गए और फायरिंग रुकने के पश्चात जब घटनास्थल की सर्चिंग की गई तो यहाँ वहाँ एक जो महिला थी जिसकी शव बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने दावा किया है और साथ ही साथ हथियार भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ के बाद जो माओवादी के शव जो है उसका शिनाख्त के लिए पुलिस ने उसको रिकवर कर लिया है। इस मुठभेड़ में और भी संभावना जताई जा रही कि कई जो नक्सली हैं वो घायल हुए होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। बलौदाबाजार हिंसा का जिक्र करते हैं, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, कोतवाली थाना इलाके के रहने वाले हैं दोनों युवक। मामले में अब तक 170 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जो गिरफ्तारी और हुई है, इनसे पूछताछ में और कई खुलासे और इसके बाद ये भी हो सकता है कि कई और भी गिरफ्तारियां हों। लगातार आप देख रहे हैं एक के बाद एक गिरफ्तारी, कभी 5 कभी 2 अलग अलग आरोपी जो है चिन्हित किए जा रहे हैं। पूछताछ के बाद अलग अलग जगह पर जो है छापा भी मारा जा रहा है, इनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब और गिरफ्तारी, कुल अब तक 170 आरोपी बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं।
रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। यहां के गुंडे बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। कल यहां बदमाशों ने युवक के साथ बहरहमी की थी, जिसके बाद इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आज उन्होंने खुली चुनौती देते हुए युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये तस्वीरें सामने आई हैं, युवक की पिटाई का वीडियो जो है पोस्ट किया गया है। बहरहमी से पीटा गया था युवक को, लाठी डंडों से पीटा गया था, और उसके बाद से ही जो है अब पुलिस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से लाठी डंडों से ये बदमाश युवक को पीट रहा है। और इधर रायपुर में एक आरोपी ने कानून का मजाक बना दिया है। बदमाश ने पुलिस गिरफ्त के दौरान हथकड़ी पहने सोशल मीडिया पर लाइव किया, और इसी दौरान गाड़ी में दो तीन पुलिसकर्मी भी दिखाई दिए। इसके बाद भी बदमाश बगैर किसी संकोच या डर के मोबाइल चलाता हुआ दिखाई दिया। उसने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कमेंट में हेलो भी बोला। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिस सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव हुआ है वो संजू निहाल नाम के युवक की आईडी है। संजू ने 15 जुलाई को अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दुकानदार पर हमला किया था। पुलिस ने संजू और कुछ साथियों के साथ इनको गिरफ्तार किया था। रायपुर में घर पर रेड मारकर पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक महिला के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस लंबे समय से वहां सेक्स रैकेट की जो है पुलिस को खबर मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मुजगहन के घर में रेड मारी और आरोपियों को पकड़ लिया। दुर्ग के इंडस्ट्रियल एरिया में शिवम हाईटेक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में टाइटेनियम धातु रखा हुआ था। आग तब तक नहीं बुझी जब तक कि पूरा टाइटेनियम जल नहीं गया। इस दौरान दमकल की गाड़ियां जितना पानी मार रही थी, आग उतनी तेजी से भड़क रही थी। फैक्ट्री के अंदर टाइटेनियम का स्क्रैप लगाने का काम किया जाता है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। दुर्ग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, फैक्ट्री में भीषण आग। और एक और बड़ी खबर दुर्ग से, मोबाइल टॉवर पर युवक चढ़ गया है। 30 मीटर ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ा युवक। युवक को नीचे उतारने की कवायद लगातार जारी है। युवक के टॉवर पर चढ़ने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। भिलाई के सुंदरनगर की यह घटना बताई जा रही है। ये देखिए तस्वीर दुर्ग की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 30 मीटर ऊंचे मोबाइल टॉवर पर ये युवक चढ़ा है। कोई मांग होगी जिस मांग को लेकर के ये टॉवर पर चढ़ा होगा, और अपनी मांग मनवाने के लिए ये टॉवर पर चढ़ा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आए दिन यही होता है, अपनी मांग मनवाने के लिए कई बार लोग टॉवर पर चढ़ जाते हैं। एक और तस्वीर, क्या मामला बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये वैसे ही कुछ है, कुछ मांगे हैं इसकी, जिस वजह से ये टावर के ऊपर में चढ़ा है। करीब 30 मीटर ये ऊंचे मोबाइल के टावर में चढ़ा है। फिलहाल के सुंदर नगर की ये पूरी घटना है। बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक की आखिरकार क्या मांग है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि किसी आपराधिक मामले में पुलिस पूछताछ उससे करना चाहती थी, जिस वजह से वो परेशान होकर मोबाइल के टावर में चढ़ा है। तो फिलहाल उसको उतारने की कवायद जारी है, और उतारने के बाद में जब पूछताछ की जाएगी तब ये पता चल पाएगा कि आखिरकार वजह क्या रही है इसके मोबाइल पे चढ़ने के, मोबाइल टावर पे। तो फिलहाल पुलिस इसको उतारने की कवायद जारी है। ये पूरा मामला जो है वैशाली थाना क्षेत्र का है, तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और लोगों की मदद से एसडीआरएफ को बुलाया गया है, और उनकी मदद से भी इसको उतारने की कोशिश की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। बस्तर में बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश हुई है यहां पर, जमकर बरसे हैं बदरा। जल भराव से परेशानी भी बढ़ चुकी है। लगातार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, पर सड़कों पर सैलाब पानी का नजर आया, जिस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आई।